हेलो दोस्तों, ये 10-35 ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक पंप है। इसका प्रेशर लीक हो रहा है, इसलिए हम इसको खोल के रिपेयर करेंगे। इसका चैम्बर वाल लीक हो रहा है, इसके लिए अपन को पहले 10 नंबर का बोल्ट खोलना पड़ेगा। उसके बाद ये 13 नंबर के 3 बोल्ट हैं, ये खोलना पड़ेगा। दोस्तों, ये हमने जो 2 बोल्ट है ये इनको निकाल लिए हैं बाहर। अब ये जो 13 नंबर के बोल्ट है इनको खोल रहे हैं अभी, और आगे तक बने रहेगा। हम आपको आज इसमें लीक बताएंगे, कहाँ से लीक हो रहा है, ये बॉडी में इधर कहाँ से लीक है। इसमें लीक आ रहा है, कुछ छोटा सा प्रॉब्लम हो रहा था इसमें पीटीओ में। दोस्तों, ये कंट्रोल वाल है, ये अभी नहीं कटा है, नया डाला हुआ है किसी का। अब हमको पंप को खोलने के लिए ये 4 बोल्ट खोलने होंगे। हमने 4 बोल्ट खोल दिए हैं इसके। अब हम इसको निकालेंगे और इसको चेक करेंगे भाई कहाँ से लीक हो रहा है। ये निकाल देते हैं साइड में, इसको चेक करना है। इसमें 6 रिंगे लगी हुई होती है। कौन कौन सी है 6 रिंगे? 6 रिंगे इसमें लगी हुई है अभी तो। यहाँ पे है 3 रिंगे, 3 रिंगे इधर है। अब हम नीचे वाली बॉडी निकालेंगे। नीचे वाली बॉडी में देखते हैं, देखिए क्या है नीचे वाली बॉडी की। भी 6 रिंगे लगी हुई है। दोस्तों देखो, ये जो 6 रिंगे होती है, ये देखो, ये 1, 2, 3 और 4, 5 और 6, ये 6 रिंगे होती है। इधर जो बॉडी में इधर होती है, 6 रिंगे इधर लगी हुई होती है। ये अपनी इधर ये माइनर बॉडी बोलते हैं इसको। ये निकाल लिए, ये माइनर बॉडी है, देख लो एक बार। अब इसमें हम लीकेज देखेंगे कहाँ लीकेज हो रहा है। इसमें ये इसमें माइनर रिंग आती है इधर, ये देख लो आप। निकाल जूम करके दिखाता हूँ आपको, ये माइनर रिंग होती है। इसको बाहर निकालते हैं तो चेक करेंगे इसमें कितना प्रेशर बन रहा है। इसका प्रेशर तो सही है, ये देखो, ये मतलब इसका प्रेशर ठीक है। ये पिस्टन लीक है इसका। ये पिस्टन लीक है इसका इधर वाला, देखो भाई आराम से देखो। ये पिस्टन देखो, ये पिस्टन लीक है। ये इसकी पिस्टन रिंग है इसकी, दूसरी वाली बॉडी। डाल डाल।